सोनिया गांधी से कल फिर होगी पूछताछ। 6 घंटे आज ईडी ने सवाल जवाब किए, दूसरे राउंड की पूछताछ थी और अब फिर कल पूछताछ की जाएगी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वाईआईएल केस में आपको बताते चले कई ऐसे सवाल हैं जिनकी फहरिस्त ईडी ने तैयार करके रखी हुई थी और इसी पूरे मामले में सोनिया गांधी को कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें आज राहुल गांधी के नेतृत्व में जमकर कांग्रेस पार्टी की ओर से सड़क से लेकर संसद तक विरोध दर्ज कराया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार कांग्रेसी सड़क पर थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बताते चले सोनिया गांधी से 2 राउंड में 6 घंटे तक पूछताछ, लेकिन कल फिर से होगी पूछताछ। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, कल एक बार फिर से बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्या खबर, कौन से सवाल रह गए हैं जिसका जवाब देना अभी बाकी है? चित्रा, जैसा कि सुबह ही आज तक ने दर्शकों को जानकारी दी थी कि बहुत मुमकिन है कि सोनिया गांधी से अगले दिन भी पूछताछ होगी, सोनिया गांधी से आज की 6 घंटे की पूछताछ के बाद में उनको फिर से समन दे दिया गया है, यानी कि कल सुबह 11 बजे उन्हें फिर ईडी के दफ्तर में आना पड़ेगा। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि कई ऐसे सवाल हैं जो कि अभी तक ईडी सोनिया गांधी से नहीं पूछ पाई है। अमूमन जो कि एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि खुद सोनिया गांधी ना सिर्फ 38% की भागीदार है बल्कि डायरेक्टर है, उनको लेकर कई सवाल रह गए हैं कि आखिरकार पैसे के लेन देन के बारे में उनको कोई जानकारी थी या नहीं थी। ईडी ने आज सवाल जवाब किया हुआ था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की जो काम करने की शैली थी उसमें यह था कि वो समाज सेवा करेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट का काम करेंगे वो, लेकिन कोई इस तरह का काम किया नहीं, उस पर कोई सफाई नहीं मिल पाई थी। इसके लिए ईडी ने कल फिर से सोनिया गांधी को बुलाया है और पूछताछ के बाद में ही ईडी तय करेगी कि आखिरकार आगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि कल भी लंबा दिन होगा सोनिया गांधी के लिए, अगर उनकी सेहत सही रहती है तो कल का पूरा दिन सोनिया गांधी से पूछताछ हो सकती है। बहुत शुक्रिया मनीष पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। सोनिया गांधी को कल फिर से बुलाया गया है पूछताछ के लिए।